कहते हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब रूस की तरफ से कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी आई भारत के लिए लेकिन अब उसका जवाब इसराइल ने दिया है इसराइल ने जो जवाब दिया है वो जरूर चीन तुर्की सुनकर बौखला जाएंगे वहीं दूसरी तरफ क्या ईरान ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया एक खबर बड़ी जोरों से फैल रही है और इसके अनुसार क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है क्या कासिम सुलेमानी वाली घटना का यह परिणाम है ईरान ने क्या सचमुच अमेरिका और इसराइल दोनों से अपने बदले को पूरा कर लिया है आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इसराइल और भारत की दोस्ती ऐसी है जो कि भले ही 2014 के बाद मजबूत हुई हो लेकिन हर वक्त इसराइल भारत के साथ खड़ा रहा है कारगिल के वक्त जब अमेरिका भारत के खिलाफ था तब भी इसराइल भारत के साथ था और इसराइल भारत को हथियारों का जखीरा दे रहा था शायद इस वक्त रूस को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किसकी तरफ जाए और किसकी तरफ न जाए उसकी अर्थव्यवस्था उसे यह कह रही है कि वह चीन की तरफ जाए तो उसकी दोस्ती यह कह रही है कि वह भारत की तरफ जाए लेकिन रूस के विदेश मंत्री के बयान के अनुसार तो यही लग रहा है कि अर्थव्यवस्था का पलरा ज़्यादा भारी है एक तरफ ईरान रूस और चीन साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए नया खतरा बनकर उभरा है तुर्की वैसे तो तुर्की न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है हाल ही में ईरान के साथ भी पंगे लेकर अर्दोगन ने यहाँ तक कह दिया है कि वह अल्लाह की मर्जी से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तुर्की का झंडा फहराने की कोशिश करेंगे ये बयान खुद में काफी विवादों भरा है अब इसराइल ने तुर्की रूस दोनों को ही एक बड़ा जवाब दिया है इस मामले में इसराइल का बयान काफी मायने रखता है इसराइल ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है लेकिन भारत किसी के उकसावे को जवाब देने के लिए भी सक्षम है यह किसी के अंदर नहीं है और न ही किसी का उपनिवेश है वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने सीधे सीधे तुर्की को बड़ी धमकी दे डाली है पहले तो इसराइल ने नाटो से यह बात कही कि नाटो को तुर्की के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसराइल खुद ब खुद तुर्की को बहुत अच्छे से समझा देगा इसराइल का सीधा सीधा मतलब यही है कि तुर्की अगर बाज नहीं आता है तो इसराइल बड़ा एक्शन तुर्की के ऊपर ले लेगा वैसे इसराइल कोई भी बात हवा में नहीं कहता है उसके पीछे एक मजबूत वजह होती है अगर इसराइल ने यह बात कही है तो तुर्की पर उसे एक्शन लेने में कोई बड़ी देर नहीं लगेगी वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ईरान इसराइल और अमेरिका ये तीन देश आपस में इस तरह से लगे पड़े हैं जो कभी भी एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है ईरान की राजधानी तेहरान में मोसाद के झंडे दिखते हैं तो वहीं उस मोसाद के झंडे को हटाकर यह पोस्टर तैनात कर दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि हम तुम्हें सोने नहीं देंगे जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता है वहीं दूसरी तरफ जब सुलेमानी को निशाना बनाया अमेरिका ने तब भी ये बात कही गई थी कि हम इसकी प्रतिक्रिया जरूर देंगे ईरान के द्वारा इसराइल में मोसाद के अधिकारी के साथ कुछ उसी तरह की घटना हुई जिस तरह की घटना ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के साथ हुई थी जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि ईरान ने अपना अपने बदले को पूरा कर लिया अमेरिका के दो अभियान बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे एक तो ओसामा और दूसरा सुलेमानी इन दोनों वाली घटना में कहा जाता है कि एक ही शख्स का दिमाग था और उसी शख्स ने पूरी प्लानिंग करी थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी का वह शीर्ष अधिकारी था 2017 में उसे खास तौर पर ईरान के मिशन सेंटर एजेंसी में प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई थी यह तय माना गया था कि कुछ न कुछ बड़ा और कुछ न कुछ ठोस होने वाला है और ईरान के प्रति ट्रम्प का रुख भी दिख गया था उसके बाद 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर सोलेमानी वाली घटना हो गई इसके लिए जिम्मेदार माना गया वही शख्स जिसका नाम डी एंड्रिया था सी का ये बड़ा अधिकारी प्लेन से कहीं जा रहा था खास मिशन के लिए और उस प्लेन को निशाना बना लिया गया सत्ताईस जनवरी 2020 की सुबह ईरान मिशन सेंटर के प्रमुख माइकल डी एंड्रिया को यह कहा गया कि वह ई एलेवन वाले जेट पर सवार हो गए हैं जिसे बाद में दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली वैसे आज तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी यह स्वीकार नहीं करती है कि उसमें डी एंड्रिया बैठे थे या डी एंड्रिया के साथ कोई और बैठा था बाद में जब लिस्ट जारी की गई तो उसमें ये दिखलाया गया कि वायुसेना के दो अधिकारी उस विमान में थे वैसे उस विमान तक पहुंचने में भी बाकी अधिकारियों को पूरा एक दिन का वक्त लग गया था क्योंकि वो पूरा इलाका जहां पे यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था लड़ाई झगड़े से ग्रसित था अब खुलासा इस बात का हो रहा है कि ईरानी शीर्ष कमांडर्स का कहना है कि जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से वैसे ही प्रतिक्रिया दे रहा है ईरान और ये खबर आई न्यूज नाम की एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है इस पूरे रिपोर्ट में यही दर्शाया गया है कि ईरान ने क्रिया का प्रतिक्रिया दिया है और सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी वह अपना हिसाब किताब बराबर कर चुका है वैसे ऐसी घटनाओं का कभी भी आपको पूरा न तो ब्यौरा मिलता है और न ही सही जानकारी मिलती है जिस तरह से ये कहा गया कि इन अधिकारियों के बारे में सही सही सूचना नहीं दी गई यहाँ तक कह दिया गया कि वायुसेना के उसमें अधिकारी थे वैसे ही खुफिया एजेंसी के अधिकारियों या सामान्य कर्मचारियों के बारे में भी अगर कोई घटना होती है तो जानकारी सही सही मिलना मुश्किल होता है ट्रंप के शासनकाल में तो ईरान के साथ रिश्ते सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे लेकिन अब उम्मीद ईरान यह कर रहा है कि बाइडेन के आने के बाद शायद परिस्थितियां बदल जाएं और अमेरिका और ईरान के रिश्ते सुधर जाएं, ईरान फिर से अपने परमाणु समझौते को लागू कर पाए वैसे अभी बाइडेन गद्दी पर नहीं बैठे हैं गद्दी पर बैठने के बाद उनका भी फैसला क्या होता है यह देखना ही पड़ेगा लेकिन क्या आपको लगता है ईरान की बातों में सच्चाई है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ